चैत्र नवरात्र के दिन में चित्रकूट के काली देवी मंदिर में लगती है श्रद्धालुओं की भीड़। जो भी भक्त माता काली में आकर के अपनी सभी मनोकामनाओं को मांगता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जनपद चित्रकूट की पुरानी बाजार स्थित काली देवी के एक ऐसा अनूठा मंदिर है जो कोलकाता से लाई गई माता को स्थापित किया गया है, इसलिए इस मंदिर का महत्व नवरात्रों के दिनों में और अधिक बढ़ जाता है। और चैत्र नवरात्र की शुरुआत 22 मार्च 2023 से लेकर 30 मार्च तक रहेगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि को खास महत्व मिलता है। चैत्र नवरात्र में पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों में उपासना विधान किया जाएगा। चित्रकूट में काली देवी मंदिर के इसलिए ज़्यादा है क्योंकि माता का अवतार कोलकाता से ला करके स्थापित किया गया है। चैत्र नवरात्रों के दिन माँ के स्थान में लाखों की संख्या में मंदिर में आकर लोग पूजा पाठ करते हैं, इसलिए इस मंदिर का खास महत्व है। कलकत्ता की काली देवी का दूसरा मंदिर माना जाता है। ये काली मैया के मंदिर के नाम से यहाँ चित्रकूट भी प्रसिद्ध है। चित्रकूट में ये अपना स्थान अलग है। नवरात्रि में क्या खास यहाँ होता है? नवरात्रि में अलग अलग प्रकार से यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं, सजावट होती है, भीड़ लगती है, अपार भीड़ लगती है। और क्या खास है यहाँ पर? और जो कोई श्रद्धा से यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना यहाँ पूरी करती है माता रानी। ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काली माता का मंदिर पुराना है। कलकत्ता से आई है, पुरजोला के आए थे, इनको स्थापित की थी। और क्या खास है मंदिर का? चित्रकूट में महात्मा है। नवरात्रि में क्या होता है? भीड़ भाड़ चलती है। कितने दिन? 9 दिन चलती है। और क्या होता है? हो गया पूजा अर्चना ये सब होता है। जवारा बोए जाते हैं। कलकत्ता से कौन लाए थे? ये हमारे पुर को ले गया थे। इस माता को क्या कहते हैं? कलकत्ता की माई सिंह वाहिनी।